सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक की सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में बैंक लॉकर की जांच की। इस जांच में क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की ली गई तलाशी। सीबीआई ने ली बैंक लॉकर की तलाशी। लॉकर में तलाशे गए शराब घोटाले के सबूत। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर चल रही सीबीआई जांच। दिल्ली की नई शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंची थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी इस बैंक में मौजूद थे। मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं थे तो वो उस वक्त गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में ही रहते थे। मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर इस बैंक में है जहां सीबीआई की टीम पहुंची थी। आपके नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों में शामिल हैं जो कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। तो उधर मनीष सिसोदिया ने भी सीबीआई जांच पूरी होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया कि जन्माष्टमी वाले दिन कुछ सीबीआई वाले मेरे घर पर आकर मेरी वाइफ के लॉकर की चाबी लेकर गए थे, जो लॉकर गाजियाबाद के वसुंधरा पीएनबी बैंक में था। उसी लॉकर को खंगालने के लिए सीबीआई द्वारा मेरी वाइफ को लाया गया और साथ में हमें भी बुलाया गया। लॉकर से सिर्फ 80 या 90 हजार के कुछ बच्चों के गहने बरामद हुए हैं। मेरे पर सभी लगाए गए आरोप निराधार हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए और साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 19 अगस्त को दिल्ली आबकारी नीति के हुए कथित गड़बड़ी के मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे। सिसोदिया का कहना है कि उन्हें एक झूठे मामले में आरोपी बनाया गया है ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उभरे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और सिसोदिया को भ्रष्टाचार का ट्विन टावर कहा है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।